भूतिया बस डिपो। रात के 11 बज रही थी। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सुनसान रास्ता था। वहीं कुछ लोग शादी में जाने के लिए बस डिपो पर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी उनमें से एक औरत अपनी बेटी माही से कहती है, बेटा सारा सामान रखा था ना तूने शादी में जाने के लिए? हाँ माँ सब रखा, लेकिन ये बस कब आएगी, इतनी देर हो गई। बस बेटा आने ही वाली है। उस औरत के इतना कहते ही बस डिपो पर एक लाल रंग की बस आ जाती है, जहां माही को अचानक से उस बस के ऊपर बहुत सारे भूत प्रेत दिखाई देते हैं और गले लगकर अपनी माँ को कहती है, माँ माँ भूत भूत बस पर भूत है। नहीं बेटा वहां तो कुछ भी नहीं है, देख। माही फिर से बस पर देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं दिखता है। और सभी लोग उस बस में चढ़ जाते हैं और शोर मचा कर नाच गाना करते हुए बस का सफर तय करते हैं। कुछ देर बाद ड्राइवर एक ढाबे से थोड़ी दूर बस रोकता है और कंडक्टर कहता है, अरे सभी लोग सुन लो, जिसको कुछ भी खाना है या फ्रेश होना है वो अभी आ जाओ, क्योंकि आगे बस नहीं रुकेगी, रास्ता खराब है, कोई ढाबा भी नहीं है, घंटों तक ऐसे ही बैठना पड़ेगा। जिसको आना है आ जाओ, जब तक मैं और ड्राइवर भैया खाना खाने जा रहे हैं। बस के सभी पैसेंजर आने से मना कर देते हैं, जिसके बाद दोनों खाना खाने उस ढाबे पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बस जहां रुकती थी, वहां अचानक से बहुत सारे चुड़ैल और भूत बस के ऊपर चढ़े बैठे होते हैं और पैसेंजर के पास आने की कोशिश करते हैं, जहां बहुत डरावनी आवाज आती है। बस के बाहर बहुत सारे चुड़ैल और भूत शीशे खटखटाने लगते हैं और उन्हें तोड़कर अंदर आते हैं और उन्हें देख सारे पैसेंजर डर जाते हैं। तभी उनमें से एक नशे में धुत आदमी हाथ में कांच की बोतल लिए बोलता है, ए, कौन है तू? चल बस से उतर। ए, आज मैं तुझे मार डालूंगी, कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। तू मुझे खाएगी ना? आ जा, अभी बहुत तुझे मारूंगा, मर जाएगी तो। तू मुझे मारेगा? आ मार मुझे। चुड़ैल इतना बोलती है और उस नशेड़ी आदमी की गर्दन धड़ से अलग करके उसे कच्चा खा जाती है। बस के पैसेंजर ये देखकर और डर जाते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक चुड़ैल और भूत आकर उन्हें मार कर खा जाते हैं और फिर बस के सभी पैसेंजर एकदम से गायब हो जाते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर वापस आते हैं तो खाली बस को देख कर घबरा कर कहते हैं, अरे ये सारे पैसेंजर कहाँ गए? बस एकदम से खाली कैसे हो गई? पता नहीं भैया, यही तो सबको छोड़कर गए थे। पता नहीं, तू जरा चेक कर, सामान लेकर गए क्या? इधर उधर देख। ड्राइवर की बात सुन कंडक्टर पूरी बस को छान लेता है और बस के बाहर भी देख लेता है, लेकिन इतनी रात को उसे अपना एक भी पैसेंजर नहीं मिलता है। और ड्राइवर कहता है, आखिर इतनी रात में इतने सारे पैसेंजर एकदम से कहाँ गायब हो गए? भैया कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो डर लग रहा है। चलिए मालिक को जाकर बताते हैं, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। हाँ हाँ चल। दोनों इतना बोलकर बस में बैठकर अपने मालिक सुखबीर के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मालिक गजब हो गया, हमें नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मालिक सब गायब हो गए। तुम दोनों इतनी रात को आई और अब पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या गजब हो गया, कौन गायब हो गया? ड्राइवर डरते हुए सुखबीर को सारी बातें बताता है और बात सुनने के बाद सुखबीर कहता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे आसपास कोई था? मतलब पुलिस का चक्कर तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं साहब, किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं था। बस अच्छी बात है, ये मामला यहीं का यहीं रफा दफा कर दो और ढंग से होशियारी के साथ बस चलाओ। ठीक है मालिक। मालिक की बात सुनकर दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, दोनों इसी तरह रात में बस चलाते हैं और हमेशा की तरह चुड़ैल उन्हें मार कर खा जाया करती थी। पैसेंजर से भरी बस में अचानक ही पैसेंजर्स गायब हो जाया करते थे। ड्राइवर और कंडक्टर अब डरने लग गए थे। एक दिन रात के 12 बजे जब ड्राइवर बस की लाइट बंद करने जाता है तो उसे सीट के पास किसी का कटा हुआ सिर मिलता है, जिसे देख कर वो डर कर बस से उतर जाता है। तभी कंडक्टर उससे पूछता है, भैया क्या हुआ, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? वहाँ कटा हुआ सर है। क्या कटा हुआ सिर?
घबरा कर कंडक्टर उस सीट पर जाकर देखता है। वहां कटे सिर के साथ बहुत सारे भूत और चुड़ैले थे। ये देख उसकी भी रूह कांप जाती है कि तभी दोनों को चुड़ैल पकड़ लेती है। किसी तरह ड्राइवर अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन कंडक्टर को चुड़ैल वही मार डालती है। ड्राइवर फिर से सुखबीर के पास जाता है और कांपते हुए उससे बोलता है, मालिक, मैंने बस में कटा हुआ सिर और चुड़ैल देखी। मालिक, कुछ तो गड़बड़ है बस में। क्या हुआ, ठीक से बताओ। मालिक, कुछ दिनों से वही सब चल रहा है। उस रात की तरह सारे पैसेंजर्स अपने आप गायब होते जा रहे हैं। कहीं पुलिस वालों ने तहकीकात शुरू कर दी तो मुझे तो जेल में डाल दिया जाएगा। और वहाँ आज मुझे कटा हुआ सिर और बहुत सारे भूत प्रेत दिखे। कंडक्टर भी मारा गया। क्या इतना सब हो गया और तुम अब बता रहे हो? खैर, अब इसका कोई पक्का इलाज करना पड़ेगा। मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। अब बस वही बता सकते हैं कि क्या माजरा है। कौन बता सकता है? मालिक, तांत्रिक बाबा, वो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। चलो फिर, देर किस बात की है। ड्राइवर की बात सुन सुखबीर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, जहां वो तांत्रिक आंख बंद किए यज्ञ में भस्म फेंकते हुए बोलता है, आखिर आना ही पड़ा, आओ बैठो। दोनों हैरान होते हैं कि तांत्रिक को उनके आने का कैसे पता चला। तभी तांत्रिक कहता है, हैरानी की बात कोई नहीं है, मुझे पता था कि तुम आओगे। बाबा, जब आपको पता है तो हमारी परेशानी भी पता होगी और उसका हल भी। आप बताइए, ये सब क्यों हो रहा है? हाँ बाबा, हमारी मदद कीजिए, कुछ कीजिए। तांत्रिक ड्राइवर की बात सुनकर आंख बंद करके मंत्र का उच्चारण करने लगता है। ओम ईं क्रीं भत् स्वाहा। तभी अचानक से उसका ध्यान टूट जाता है। तांत्रिक बार बार उन भूत प्रेतों को काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और क्रोधित होकर बोलता है, ये कैसा हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बाबा, आप घबरा क्यों गए? ये सब तुम्हारी ली हुई उस जमीन की वजह से हो रहा है जिस पर तुमने बस डिपो बनवाया है। मैंने उन प्रेत आत्माओं चुड़ैलों को काबू में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी शक्तियां और तादाद इतनी ज्यादा है कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मेरी जमीन पर क्यों बाबा, और कैसे होगा? वो जमीन एक शमशान घाट है जहां मुर्दों को जलाया जाता था। उन्हीं सब की आत्माएं तुम्हारी बस डिपो पर कब्जा कर बैठी हुई हैं। अगर तुम इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो इस पर एक ही रास्ता है कि तुम उस जमीन को छोड़ दो, वरना कंडक्टर और बाकी सब की तरह तुम भी मारे जाओगे। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करता हूँ। सुखबीर बाबा की बात सुनकर अगले दिन ही उस बस डिपो पर बुलडोजर चलवा देता है और उस जमीन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर किसी दूसरी जगह बस डिपो बनवा देता है। इसके बाद फिर कभी उसे ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा।